फैमिली वीक तो घर के अंदर नहीं आने वाला, लेकिन हाँ फैमिली स्पेशल एपिसोड जरूर होने वाला है। वेल हेलो गाइस एंड वेलकम टू फीफा फूज। मैं हूँ ज्योति नाहक। जैसा मैंने कहा कि फैमिली स्पेशल एपिसोड होने वाला है, और इस फैमिली स्पेशल एपिसोड में घर वालों के घर वाले आने वाले हैं। जी हाँ, फैमिली वीक जैसे कि सीजन 13 में हुआ था, इस सीजन में भी ऐसा रखा जा सकता है कि तकरीबन एक पूरा हफ्ता घर वाले रहेंगे, और वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अगर एक पूरा हफ्ता घर वाले घर के अंदर रहे तो फिर मजा ही आ जाएगा, बहुत मजे आएंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इस वक्त फैमिली स्पेशल का जो डिटेल मेरे सामने आया है वो क्या कुछ है, किस किस के लिए, कौन कौन, कैसे कैसे, कब आने वाला है। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज अगेन। मैं हूँ ज्योति नाहक। जैसा मैंने कहा कि सबसे पहले तो फैमिली ऑफ कंटेस्टेंट्स विल एंटर द हाउस बाय सैटरडे फॉर अ डे एंड विल एग्जिट द शो ऑन संडे। सैटरडे को आएंगे वो, रात भर रुकेंगे, संडे को सुबह या दोपहर तक वो लोग सब निकल जाएंगे, और सुबह आई थिंक नाश्ता वाश्ता करके निकल जाएंगे, जैसे इंडिया में होता है। बिना नाश्ता किए तो कोई सुबह कहीं जाता नहीं है। सो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो है टीना को लेकर ये बात आ रही है कि टीना के पापा शो पर आएंगे, सुम्बुल के लिए उनके पापा आएंगे, प्रियंका के लिए या तो अंकित आ सकते हैं या उनके पापा आ सकते हैं, दोनों में से कोई एक आएगा। अगर अंकित आए तो ज्यादा बेटर इसलिए होगा बिकॉज वो गेम के हिसाब से काफी कुछ प्रियंका को समझा पाएंगे, बता पाएंगे। उसी के साथ साथ शिव जो है वो घर के अंदर आएंगे। शिव के लिए उनकी आई आएंगी या फिर उनकी ताई यानी कि जो उनकी सिस्टर है वो आएंगी, दोनों में से कोई एक आ सकती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हर उस शख्स को आना चाहिए जिनसे एक इमोशनल कनेक्ट भी हो, लेकिन जो गेम के बारे में भी अच्छा खासा बता पाए। टीना के लिए अगर उनकी मम्मी आएंगी तो ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि वो गेम के हिसाब से काफी कुछ टीना को बता पाएंगी। सुम्बुल के लिए तो उनके पापा आएंगे ही आएंगे, और वो गेम के लिए क्या, वो सबके गेम के लिए काफी कुछ बता देंगे। शिव के लिए काफी हद तक जैसा मैंने कहा आई या ताई आएंगी। निमृत के लिए उनकी मम्मी आएंगी जो कि गेम के लिए भी अगेन काफी स्ट्रांग रहेंगी और गेम काफी अच्छा वो खिलवा पाएंगी घर के अंदर। निमृत को काफी कुछ समझा पाएंगी कि वो कहाँ गलत जा रही हैं और कहाँ गलत नहीं जा रही हैं और कहाँ सही जा रही हैं फॉर दैट मैटर। सो आपको इस पर क्या है कहना, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? शालीन के लिए जहां तक मुझे लगता है उनके पापा आएंगे क्योंकि मम्मी उनकी काफी अडोरेबल है। बट हाँ, मुझे ऐसा भी लगता है कि दलजीत आ सकती हैं शालीन के लिए। सो अगर दलजीत आती हैं तो वाकई गेम के हिसाब से अगर चीजें स्ट्रांग बनानी है तो घर में से जो घर वाले हैं वो ऐसे आने चाहिए जो गेम के पर्सपेक्टिव से उनको समझा पाए। अगर अंकित वापस जाते हैं तो वो गेम के पर्सपेक्टिव से काफी कुछ समझा पाएंगे जो कि इंटरेस्टिंग होगा। सो आप क्या कहना चाहेंगे इस बात पर बताइएगा।